अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। कल से हमने एक सीरीज शुरू की है, 2021 आपके लिए कैसा रहेगा, उसका आज पार्ट टू है। तीन स्तंभों के ऊपर ये प्रिडिक्शन की जाती है, ध्यान से सुनिएगा। अगर तीनों चीजें मैच करती हैं तो 100% होगा, दो चीजें मैच करती हैं तो 50-60% घटनाएं आपके जीवन में होंगी। जिन सेक्टर्स में आपको बताया जाता है उसमें आपको विशेष रूप से सावध रहना है। कई प्रिडिक्शंस टोटली नेगेटिव होंगी तो कई प्रिडिक्शंस टोटली पॉजिटिव होंगी। आज जो हम बात करने जा रहे हैं, जिनका मतलब वृषभ राशि, जिनके नाम का अक्षर ब, व या उ है, मतलब बी, वी और यू है। बी फॉर बंकिम कह लीजिए, वी फॉर विशाल कह लीजिए और यू फॉर उमेश कह लीजिए, ठीक। अगर आपका जन्म सुबह के 4 बजे से 10 बजे के बीच में हुआ है, पहली कंडीशन, अगर आपके नाम का इनिशिएटिव बी, वी या यू है, ब, व या उ, अगर आपका जन्म सुबह 4 बजे से 10 बजे के बीच हुआ है। तीसरी कंडीशन, अगर जिस दिन आपका जन्म हुआ उस दिन सोमवार या बुधवार है। तीन स्तंभों के ऊपर यह प्रिडिक्शन की जाती है, ब, व, उ, मतलब बी, वी और यू, ये अगर नाम का इनिशिएटिव है, राशि के ऊपर रखा है नहीं रखा है कोई मैटर नहीं करता, जिस नाम से दुनिया आपको पुकारती है, ये तीन अगर आपके नाम के इनिशियल्स हैं, पहले अक्षर हैं, अगर सुबह 4 बजे से सुबह 10 बजे के बीच आपका जन्म हुआ है, या फिर मंडे और वेनसडे, सोमवार या बुधवार के दिन आपका जन्म हुआ है, अगर तीनों चीजें मैच करती हैं तो जिस भी सेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं वो सारी चीजें पूरे साल 2021 में आपके साथ घटित होने वाली है। दो है वहां पे केयरफुल तो रहना है क्योंकि बहुत सारी घटनाएं होंगी, एक है तो प्रिकॉशंस रखें, थोड़े में निपट जाएगा। जिनके भी ये इनिशिएटिव्स हैं उनके लिए सबसे पहली जो बात में उसको उनको ध्यान रखना है, आलस्य को त्याजिएगा, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, मेहनत करने की इच्छा होगी लेकिन आलस्य उसमें सबसे बड़ा विलन होगा। और हो सकता है कि आपकी लाइफ में अभी तक आलस्य इतना बड़ा रोल प्ले ना करता हो लेकिन अगले साल होगा, कुछ भी प्रोजेक्ट या वगैरह किसी न किसी कारण से आप काम को टालते जाएंगे और अगर काम को टालते गए तो फिर आपके लिए परिस्थितियां विपरीत ही बनती जाएंगी। सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लगेगा कि अगर आपका ये इनिशिएटिव है और आप बहुत ही मेहनती इंसान हैं तो आपको ये पहला ही स्टेटमेंट बिल्कुल विचित्र सा लगेगा कि भला ऐसा कैसा होगा। अब देखिए आगे, तीनों इनिशिएटिव्स हैं, बहुत ही ज्यादा सावध रहिएगा, ये होगा। अगला पूरा साल इमोशंस को रखिए साइड पे, कबोर्ड की तिजोरी में रख के लॉक कर दीजिए, मैं परिवार के बाहर की बात कर रहा हूं, दिमाग की सुनिएगा दिल की नहीं, हर क्षेत्र में फायदे में रहेंगे, दिल की सुनने गए बहुत ही ज्यादा पछताने वाले हैं। यहां पे मैं प्रेम प्रसंग की बात नहीं कर रहा हूं, जॉब में हो कोई तकलीफ में है, आप दिल की भावना से उनकी हेल्प करने गए, कहीं पे फंस गए, वो निकल जाएगा या निकल जाएगी, आप फंस गए। बिजनेस में कुछ ऐसा करने गए, कहीं पे भी, घर के चार दीवारी के बाहर कहीं पे भी, दिमाग की सुनिए दिल की नहीं तो बहुत ही ज्यादा फायदे में रहेंगे। और दिल की सुनने गए तो पूरा साल आप अपने आप को कोसोगे कि क्या किया। ध्यान से सुनिएगा, तीनों चीजें हैं, 100% होने वाला है। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये पूरा साल बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा, नसीब के ऊपर बिल्कुल भरोसा मत रखिएगा, लेकिन एक बात एश्योरेंस के साथ कह सकता हूं, मेहनत का पूरा फल मिलेगा,
भाग्य का इतना ज्यादा साथ आपको नहीं मिलेगा। होता है ना कुछ, मतलब कुछ क्वेश्चन ही करके जाते हैं और उसमें से ही क्वेश्चन पेपर निकल जाता है। मेहनत बहुत ज्यादा करवाएगा, भाग्य का साथ नहीं मिलेगा लेकिन मेहनत का साथ पूरा मिलेगा। एक बहुत ही बड़ा सेक्टर है जहां पे इन तीनों इनिशिएटिव्स या ब व और उ वालों को सचेत रहना है। अगर आप किसी भी प्रकार का नशा करते हैं, छोड़ दीजिए। नॉनवेज खाते हैं, छोड़ दीजिए। परेशानियां हद से ज्यादा बढ़ेंगी। इन दो चीजों के कारण बहुत ही बड़े बड़े घटनाक्रम अगले साल आपके जीवन में घटित होंगे। एक साल के लिए तो छोड़ ही दीजिए, बहुत बड़े फायदे में रहेंगे। इसे एक प्रयोग समझ लीजिए। नशा छोड़ दीजिए, नॉनवेज छोड़ दीजिए, बहुत बड़े फायदे में रहेंगे। एक और माइनस पॉइंट होगा, पारिवारिक मतभेद अपनी चरम सीमा पर पहुंच सकता है। तो अपनी वाणी और वर्तन के ऊपर बहुत ही ज्यादा ध्यान रखिएगा। छोटी छोटी बातों में, वैसे पहले भी शायद एक्सक्यूजेस होते होंगे लेकिन आप निग्लेक्ट करते होंगे, यहां पे डिस्कशन में उतरेंगे, डिस्कशन झगड़े में कन्वर्ट होगा और झगड़ा ना जाने कहां पे जाएगा। तो चीजें कोई भी बने, आपको अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल रखना है, अपनी स्पीच के ऊपर कंट्रोल रखना है, अपनी बिहेवियर के ऊपर कंट्रोल रखना है। सट्टेबाजी से बचे, किसी भी प्रकार की, शेयर हो, जुआ हो, लॉटरी हो। अब कोई स्टॉक मार्केट में ही काम करता है तो क्या करे, तो कोई बात नहीं, आपका तो मतलब बिजनेस है, लेकिन संभल के 10 बार सोचिए, 1 बार करिए, फायदे में रहेंगे। दूसरी एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, दोस्तों के ऊपर ज्यादा विश्वास मत रखिएगा। कोई आके ही काम तमाम करने की कोशिश करेगा, बहुत ही गहरा जख्म देकर जाएगा, धोखा मिलेगा। मैं कोई अंधविश्वास या आपकी दोस्ती तुड़वाने की फिराक में नहीं हूं, लेकिन सचेत रहिएगा। वैसे जो भी मतलब दिल के बहुत अच्छे होते हैं, दिलदार होते हैं, दोस्तों पे भरोसा करते हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव भी मत होइए, लेकिन जो कोई भी बात हो उनके ऊपर वॉच रखिए, 100% उनके ऊपर विश्वास मत रखिएगा, अगर इंपॉर्टेंट काम हो तो, वरना बिगड़ सकता है। किसी भी प्रकार के वाद विवाद और झगड़ों से बचें। बहुत ही सिंपल लॉजिक है, कल की प्रिडिक्शन की तरह कुछ भारी नहीं है, लेकिन इन सेक्टर्स में आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल काफी अच्छा है, फिर से एक बार दोहरा देता हूं, दिमाग की सुनिएगा, दिल की नहीं। साल बहुत ही अच्छा जाएगा। हो सकता है कि आप दिमाग की ही सुनते हो, लेकिन अब ऐसा समय आने वाला है जब आप अपने दिल की सुनेंगे, और दिल की सुनने गए तो परिस्थितियां बहुत ही ज्यादा विपरीत होंगी, ये भी निश्चित बात है। ध्यान से सुनिएगा और इतने सेक्टर में सावध रहिएगा। महादेव करे पूरा अगला साल आपका काफी अच्छा जाए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर ले, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए। वीडियो अगर पसंद आता है दबा के शेयर कीजिए, और हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है, 9714443110, 9714443110। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स व्हाट्सएप के ऊपर लिख दीजिए, अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, जय हिंद।